हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। फिंगर एबेकस में आज हम सीखेंगे काउंटिंग करना, बेसिक काउंटिंग फॉर यूनिट्स एंड टेंस प्लेस, यानी कि 0 से 99 काउंटिंग कैसे किया जाता है फिंगर एबेकस से वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो हाथों के फिंगर्स है उसे हमें एबेकस टूल की तरह इस्तेमाल करना है, यानी कि जो लोअर बिट्स जिसकी वैल्यू होती है 1, ये हमारे 4 फिंगर हो जाएंगे। राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा यूनिट प्लेस, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हो जाएगा टेंस प्लेस। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ये हाथ हमारा है यूनिट प्लेस, ये हाथ हमारा है टेंस प्लेस। अब जैसे कि एबेकस टूल के ऊपर होता है लोअर बिट्स एंड अपर बिट, लोअर बिट की वैल्यू होती है 1, अपर बिट की वैल्यू होती है 5, यानी कि हमारे थंब की वैल्यू हो जाएगी 5, बाकी हमारी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, टाइनी फिंगर, ये सारी फिंगर्स की वैल्यू हो जाती है 1। ये हमारा हाथ हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे, यूनिट्स एंड टेंस। शुरू करते हैं गिनती करना। जब 0 हो जाता है यानी कि थंब 0 रहेगा, करेक्ट, इसे कहा जाएगा 0। अब फर्स्ट हम काउंटिंग करेंगे सिर्फ यूनिट से, स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब एबेकस टूल पे हम 5 कैसे करते हैं, ये 4 फिंगर्स को 0 कर देते हैं और थंब यानी कि अपर बिट को हम डाउन कर देते हैं। ये हो गया हमारा 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि जब 5वां फिंगर हमारी अप होगी इसका मतलब है 9, करेक्ट। वापस से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यही चीज हम एबेकस में करते हैं। सिंगल यूनिट रॉड के ऊपर हम 9 तक काउंटिंग कर सकते हैं। 10 कैसे करते हैं, यूनिट फिंगर पे हम 0 कर देंगे और टेंस पे 1 कर देंगे, 1 एंड 0 10। 11 कैसे करेंगे, एबेकस पे हम कैसे करते हैं, टेंस में 1, यूनिट्स में 1, दिस इज कॉल्ड 11। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, दिस इज 1, 9, 19, 20 के लिए ये हो जाएगा 0, यूनिट्स रॉड हमारा हो जाएगा 0, टेंस रॉड पे हो जाएगा 2, 2, 0, 20। वैसे ही 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, 40, 50, दिस इज कॉल्ड 5, 0, 50, 6, 0, 60, 70, 80 एंड 9, 0, 90। जब सारे फिंगर्स अप होती है दैट मींस 9, 9, 99। आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। अब कुछ रेंडम नंबर्स को हम फिंगर एबेकस से कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 2, 3, 23, यानी कि ये है हमारा हाथ जो कि है टेंस और ये है यूनिट्स, दैट मींस टेंस प्लेस पे करना है 2, यूनिट्स प्लेस पे करना है 3, 2, 3, 23, करेक्ट। ये हो गया हमारा फिंगर एबेकस से, जो कि हम अगर हम एबेकस पे ऊपर करते हैं तो भी हम वैसे ही करते हैं। एबेकस टूल के ऊपर, करेक्ट, ये हमारे है सेंटर पॉइंट, ये हमारे है टेंस एंड यूनिट्स राउंड। यहां पे हम कर देंगे 3, टेंस पे हम कर देंगे 2। वही चीज हम हाथ में करेंगे 2, 3, 23, वैसे ही करेंगे 45, 4, 5, ये फिंगर को ऐसे रखना है 4, 5, 45, करेक्ट। ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 4। एबेकस के ऊपर हम कैसे करेंगे इस चीज को, यहां पे कर देंगे 4 और ये 5 अपर बिट, दिस इज कॉल्ड 45। वैसे ही अगर हम 63 को करना चाहे एबेकस के ऊपर कैसे करेंगे हम, दिस इज 3, 5 प्लस 1, 6। वैसे ही टेंस हैंड पे हम करेंगे 5 एंड 1, 6 और टेंस और यूनिट्स पे करेंगे 3, 6, 3, 63। ये फिंगर एबेकस में करेंगे हम 6, 3, 63। ये हम मेंटली भी कर सकते हैं अगर एबेकस हमें अच्छे से आता हो, एबेकस टूल हम इमेजिन कर सके और फिंगर पे काउंटिंग कैसे करना हो वो बेस हमें पता हो। 82। अब 8 कैसे करेंगे, टेंस रोड पे 5, 6, 7 एंड 8 और 2, यूनिट्स पे करना है 2, 8, 2, 82। आई होप 0 से 99 की काउंटिंग फिंगर एबेकस में कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सारे काउंटिंग कैसे करना टिल 9999, वो भी सीखेंगे। उसके पहले बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, एबेकस का, फिंगर एबेकस, काउंटिंग, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।